Good morning. Welcome back. My today's topic is Bahamani Empire. In the South, first में clear हो गया है कि Bahamani Empire कौन से direction में है? South. मतलब South India. The Bahamani dynasty was founded by Mohammad Tughlaq's officer named Hasan or Zafar Shah. कितनी अचरज वाली बात है कि मोहम्मद तुगलक का जो ऑफिसर है उसने डायनेस्टी बना दी, एक एम्पायर सेटअप कर लिया. कैसे पॉसिबल है ये? हाँ, अगर मोहम्मद तुगलक को मार के उसका ऑफिसर खुद किंग बन जाता तो बात अलग होती कि हाँ मोहम्मद तुगलक नहीं रहा और डायनेस्टी बन गई, ठीक है. बट यहाँ पर उसके होते हुए डायनेस्टी बन गई, क्या कारण है देखिए. Hasan obtained the favor of Imreiz and established his kingdom by taking advantage of rewards spread against Tughlaq. हुआ ये कि Bahamani dynasty मोहम्मद तुगलक के officer Hasan, जिसको जफर शाह के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने establish करी. अब ये कैसे possible हुआ empire establish करना उसके लिए? Hasan obtained the favor of Imreiz of the south. साउथ के जितने अमीर लोग थे वो सब हसन के फेवर में थे, ठीक है. और सेकेंडली उस वक्त तुगलक जो था वो बहुत सारे रिवॉर्ड से गिरा हुआ रहता था, बहुत सारी बगावत होती थी और तुगलक उसी में बिजी होता था. इन दो चीजों का फायदा उठाकर हसन ने अपनी एक डायनेस्टी बना ली और नाम दिया Bahamani Empire. अब नाम मैच नहीं हो रहा है भाई, तुगलक है तो तुगलक डायनेस्टी समझ में आता है, जैसे गुप्ता थे तो गुप्ता डायनेस्टी समझ में आता है, नाम Bahamani कैसे? चलिए वो भी देखते हैं. He was descendant of brave Persian warrior Bahaman. ये जो हसन था वो पर्शियन वॉरियर जो कि बहुत बहादुर था जिसका नाम है Bahaman, उसका वंशज था, है ना. और इस वजह से Bahaman से कौन सी डायनेस्टी जनरेट हुई? Bahamani डायनेस्टी. उसने नाम क्या दिया? Bahamani. He gained the title of Alauddin Bahaman Shah. अब देखिए तीन नाम हो गए, मैं हसन बोलूं तो भी Bahamani डायनेस्टी का फाउंडर, जफर शाह बोलूं तो भी Bahamani डायनेस्टी का फाउंडर, और अलाउद्दीन Bahaman Shah बोलूं तो भी Bahamani डायनेस्टी का फाउंडर. क्लियर, तीन नाम हो गए. Bahamani एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम पेन गंगा टू द रिवर कृष्णा. पेन गंगा नॉर्थ में है, ठीक है, और रिवर कृष्णा साउथ, तो वो वाला पूरा एम्पायर, वो वाला पूरा एरिया इसने अपने एम्पायर में इंक्लूड किया. साथ ही साथ में गोवा से भुवनगिर, गोवा कहाँ है? वेस्ट में. भुवनगिर कहाँ है? ईस्ट में. तो ये वाला पूरा ईस्ट और वेस्ट का जो पार्ट है वो पूरा इसने अपनी एम्पायर में इंक्लूड किया. ही डाइड इन 1358 CE. उसकी मृत्यु कब हो गई? 1358 CE. अब है ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मुझे Bahamani एम्पायर के बारे में कोई पूछता तो मुझे सिर्फ थोड़ी सी बातें याद रखनी. पहला कि मोहम्मद तुगलक का ऑफिसर हसन, उसने क्या किया? एम्पायर सेटअप किया, डायनेस्टी सेटअप करी. सेकेंड कि उसने ना Imreiz और साथ ही साथ में जो रिवॉल्ट हो रहे थे तुगलक, उन दोनों चीजों का फायदा उठाकर डायनेस्टी स्टार्ट करी. फिर Bahamani नाम क्यों दिया? क्योंकि वो डिसेंडेंट था किसका? Bahaman का, ठीक है. तो Bahamani, फिर उसने अपने आप को एक टाइटल दिया अलाउद्दीन Bahaman Shah का. फिर उसने पेन गंगा से रिवर कृष्णा और गोवा से भुवनगिर तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया और 1358 में मर गया, ठीक है. अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड Bahamani एम्पायर. Bahamani एम्पायर और विजयनगर दोनों का ही झगड़ा हर टाइम चलता रहा. क्यों? देखिए, द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ विजयनगर वॉज अटैच विद Bahamani किंगडम. विजयनगर का जो फ्रंटियर था स्पेशली वेस्टर्न, वो किससे अटैच था? Bahamani एम्पायर से. ये तो वो वाली बात हो गई कि दो पड़ोसी दुश्मन है और उनके बीच में एक वॉल है, कॉमन वॉल, ठीक है. अब वो एक झगड़े का कारण था. द इश्यू ऑफ गेनिंग विक्ट्री अपॉन टू नेबरिंग फोर्स ऑफ मुगल्स एंड रायचूर
वॉज अनादर रीजन फॉर द बैटल। अब हुआ ये, एक कारण तो ये कि वेस्टर्न फ्रंटियर जो था वो बिल्कुल बहामनी किंगडम से अटैच था, ठीक है, और दूसरा कारण क्या, दोनों की ही नजर नेबरिंग फोर्स जो किले थे पड़ोस के उस पे थी, नाम है मुगल एंड रायचूर, किले पे उन दोनों की ही नजर थी और इस वजह से ये दोनों आपस में भिड़ते रहते थे। यहां तक क्लियर? ठीक है, ओके। हसन के बाद अहमद नाइन्थ रूलर, सीधा हम आ गए नाइन्थ रूलर पे, यानी कि बीच में जो राजा है उनके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है या फिर उनके द्वारा ऐसे कोई भी काम नहीं किए गए जो शायद इतिहास में नहीं बताए गए हैं। आपके सिलेबस में सीधा नाइन्थ है तो चलिए नाइन्थ पे। अहमद नाइन्थ रूलर रिप्लेस्ड फुलबर्ग एंड मेड बिदर एज हिज कैपिटल। इस लाइन से दो बातें क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं हसन ने कुलबर्ग को या फिर हसन के बाद वाले राजा महाराजाओं ने कुलबर्ग को कैपिटल घोषित किया था। अब ये जो नाइन्थ रूलर है अहमद, इसने क्या किया, कुलबर्ग जो कि कैपिटल थी उसको रिप्लेस करके बिदर को कैपिटल बना दिया, ठीक है। सेवरल शिया मुस्लिम फ्रॉम अब्रॉड वर सेटल्ड इन बहामनी। अब हुआ ये कि बहामनी इस एम्पायर के अंदर जो मुस्लिम का जो नंबर था वो बहुत कम था, मतलब माइनॉरिटी में आ रहे थे मुस्लिम, तो इस बात से प्रभावित होकर कुछ शिया मुस्लिम जो थे जो कि अब्रॉड थे बाहर थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, बहामनी शिफ्ट हुए। अब इससे क्या हुआ, ड्यू टू दिस द सदर्न एंड एबिसिनियन सुनी मुस्लिम बिकेम एंग्री। अब जब शिया मुस्लिम यहाँ पर आकर सेटल होने लग गए तो साउथ के जो सुनी मुस्लिम्स थे वो भी नाराज हुए थे, तो ये नाराजगी इस समय अहमद को बर्दाश्त करनी पड़ी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद थॉर 13th रूलर, नाइन्थ के बाद अब अपन देख रहे हैं 13th रूलर सीधा। ही हैंग मोहम्मद गुआन हु हैड बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द किंगडम। अब इनके बारे में सिर्फ एक सेंटेंस दे रखा है कि मोहम्मद थॉर ने क्या किया, जो कि 13th रूलर थे, उन्होंने उनके एक एम्प्लॉय जिनका नाम था मोहम्मद गुआन उसको क्या किया, फांसी की सजा सुनाई थी। अब ये बोला जाता है कि इस फांसी के सजा के बाद ही बहामनी एम्पायर का डिक्लाइन चालू हो गया था, गिरावट उसमें चालू हो गई थी, मतलब धीरे धीरे वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ रही थी। लास्ट रूलर महमूद, लास्ट रूलर बरार बिदार अहमदनगर गोलकुंडा एंड बीजापुर बिकेम 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ बहामनी किंगडम। ये अपने आप में शो करता है कि कितना वीक था महमूद। हुआ ये कि उसके राज्य के दौरान 5 स्टेट्स बरार बिदार जिसको उसने कैपिटल बनाया था अहमद ने, वो अहमदनगर गोलकुंडा और बीजापुर, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, मतलब यहाँ के जो सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हम ही रूल करेंगे यहाँ पे। और ये महमूद की कमजोरी की वजह से ही हुआ और इस तरीके से बहामनी एम्पायर डिक्लिनेशन पे आ गया, समाप्ति पर पहुंच गया। सोसाइटी की बात करें, द पोजिशन ऑफ कॉमन पीपल वर मिजरेबल एज मेंशन्ड बाय रशियन ट्रेडर एथेनासियस निकितन who traveled through the Bahamani kingdom for 4 years, that is from 1472-1474 CE. अब क्या बोला गया है कि जो पोजीशन थी सोसाइटी के अंदर कॉमन पीपल की वो बहुत ही भयंकर स्थिति में थे, दयनीय स्थिति में थे, मिजरेबल कंडीशन में थे। अब ये कैसे पता चला, उस टाइम पीरियड में एक रशियन ट्रेडर जिनका नाम था एथेनासियस निकितन, ठीक है, इन्होंने 4 साल तक जो कि ट्रेडर थे व्यापारी थे 4 साल तक वो बहामनी एम्पायर में ट्रेड कर रहे थे, तो उस दौरान इनको ये चीज पता चली और उन्होंने ये नोट डाउन करी थी, तो इस वजह से हमें पता चलता है कि बहामनी की सिचुएशन मिजरेबल कंडीशन में थी। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।